ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 1130, क्लेरिफाइड ऑन 26 जून 2009 एट बैंगलोर, कर्नाटक। ओम शांति। ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 14 अगस्त 1968। टुडेज नाइट क्लास इज ऑफ द 14th अगस्त 1968। बच्चे बाप के आगे आते हैं रिफ्रेश होने। चिल्ड्रन कम इन फ्रंट ऑफ द फादर टू रिफ्रेश देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल शुद्ध है। बिकॉज द एटमोस्फियर हियर इज प्योर। वहाँ दुनिया में तो बहुत ही गोरख धंधा लगा हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ल्डली बिजनेस देयर इन द वर्ल्ड। और यहाँ तो सभी ब्राह्मण ही हैं। एंड हियर एवरीवन इज अ ब्राह्मण। दूसरी जाति का तो कोई है ही नहीं। देयर इज नो वन फ्रॉम अनदर कास्ट। दुनिया के मुकाबले ब्राह्मणों की पवित्रता भी प्रसिद्ध है। द प्यूरिटी ऑफ द ब्राह्मिन्स इज फेमस कम्पेयर टू द वर्ल्ड। बाहर का वायुमंडल तो बहुत छीछी है। द एटमोस्फियर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड इज सर्टेनली वेरी डर्टी। फिर भी कहते हैं बाबा आओ। स्टिल दे से बाबा कम। है भी बहुत सहज। इट इज वेरी सिंपल। सभी को कहो भगवान वात महाकाम महाशत्रु है। टेल एवरीवन भगवानु वाच लस्ट इज योर बिटरेस्ट एनिमी। इस काम शत्रु पर जीत पहनी तो सारे विश्व के मालिक बन जावेंगे। इफ यू कॉन्कर दिस एनिमी लस्ट यू विल बिकम द मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और तुम तो कल्प कल्प ऐसे बनते आए हो। एंड यू हैव बीन बिकमिंग दिस एवरी साइकिल। ये निशानी देते हैं, कहेंगे ये तो ठीक कहते हैं। इफ वी गिव दिस एग्जांपल दे विल से व्हाट यू से इज राइट। काम जीत सो जगत जीत। इफ यू कॉन्कर लस्ट यू कॉन्कर द वर्ल्ड। और काम जीत तो तुम ही बनेंगे और कोई होंगे नहीं। एंड यू अलोन विल बिकम द कॉन्करर्स ऑफ लस्ट। नो वन एल्स कैन बिकम दैट। क्योंकि जब तुम थे तो और नहीं थे। बिकॉज व्हेन यू वर प्रेजेंट अदर्स वरंट। ये बातें भगवान वाच है ना। दीज टॉपिक्स आर भगवानु वाच आंट दे। भगवान बाप तुमको कहते हैं। God the Father narrates them to you. मनुष्य को तो भगवान नहीं कह सकते हैं। A human being can't be called God. क्योंकि मनुष्य का तो मन ही चलायमान होता है। Because the mind of a human being is unstable. भगवान उसे कहा जाता है जो मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला है। द वन हू कंट्रोल्स हिज माइंड कंप्लीटली इज कॉल्ड गॉड। अभी हम सभी ब्रदर्स हैं। नाउ वी ऑल आर ब्रदर्स। हमारा बाप एक है भगवान। वो ही हमको कहते हैं ब्रदर्स निराकारी है। Our father is one God. He himself tells us, you brothers are incorporeal. बाप भी निराकारी है। Your father is also incorporeal. अभी ब्रदर्स तो सभी शरीर में है। Now, all of you brothers have a body. तो जब ब्रदर्स सब शरीर में है तो बाप को भी शरीर में आकर सुनाना पड़े। So, when all the brothers have a body, the father also has to narrate the knowledge after entering a body. और भगवान आते हैं
तो जरूर नई दुनिया भी चाहिए। एंड व्हेन गॉड कम्स द न्यू वर्ल्ड इज आल्सो रिक्वायर्ड। भगवान कोई पुरानी दुनिया थोड़ी रचेंगे। गॉड सर्टेनली वोंट क्रिएट द ओल्ड वर्ल्ड। नए जगत में सब पवित्र रहेंगे। एवरीवन विल बी प्योर इन द न्यू वर्ल्ड। बाप हर 5-4 वर्ष बाद भारत को स्वर्ग बनाते हैं। द फादर ट्रांसफॉर्म्स भारत इनटू हेवन आफ्टर एवरी 5,000 ईयर्स। फिर रावण आकर के नरक बनाता है। देन रावण कम्स एंड टर्न्स इट इनटू हेल। देहद का बाप शरीर द्वारा ही सुनाते हैं और तुम भी शरीर द्वारा सुनते हो। द अनलिमिटेड फादर सर्टेनली नरेट्स द नॉलेज थ्रू अ बॉडी एंड यू टू लिसन टू इट थ्रू अ बॉडी। ऐसे ऐसे समझाने से तीर लगेगा। इफ यू एक्सप्लेन इन दिस वे दे विल बी हिट बाय द एरो ऑफ नॉलेज। योगी की अवस्था ऐसी पक्की आदत चाहिए। यू नीड दिस फर्म हैबिट टू अटेन द स्टेज ऑफ अ योगी। और ये पक्की आदत हो भी सकती है। एंड यू कैन मेक दिस अ फर्म हैबिट टू। योग बल होता है ना। इट इज द पावर ऑफ योग इजंट इट। आगे चल करके तुम्हारी सर्विस भी छलांग मारेगी। लेटर योर सर्विस विल ऑल्सो टेक अ लीप। तो समझाना ऐसा चाहिए जो कोई भी समझे बरोबर ठीक कहते हैं। सो यू शुड एक्सप्लेन इन सच अ वे दैट एनीवन वुड अंडरस्टैंड यस व्हाट दे से इज सर्टेनली राइट। ये तो अथाह दुखों की दुनिया है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इमेंस सोरो। सभी को कहना चाहिए भगवान वाच। इस दुनिया में सभी पतित हैं। यू शुड टेल एवरीवन भगवान वाच। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज इम्प्योर। पतित मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। इम्प्योर ह्यूमन बीइंग्स कांट बी कॉल्ड गॉड। भगवान मनुष्य को कहा ही नहीं जाता। ह्यूमन बीइंग्स आरंट कॉल्ड गॉड एट ऑल। और भगवान कहते भी हैं तुम आत्मा सब भाई भाई हो। And God also says, all of you souls are mutually brothers. परंतु लोगों ने भगवान को ठिक्कर भित्तर में डाल दिया। But people have put God in ठिक्कर भित्तर। तो भाई भाई की बात ही खत्म हो जाती है। So the matter of being mutual brothers ends. इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों से झूठी झूठी बातें सुनते सुनते भारत झूठ खंड बन गया। भारत हैज बिकम द लैंड ऑफ फॉल्सिटी बाय लिसनिंग टू द फॉल्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति। फिर बाप आकर के सच्ची बात सुनाकर सच खंड बनाते हैं। लेटर द फादर कम्स नरेट्स ट्रू कॉन्सेप्ट्स एंड मेक्स इट द लैंड ऑफ ट्रुथ। इसलिए कहते हैं पवित्र बनो। This is why he says, become pure. पतित दुनिया में तो दुखी ही दुख होता है। There is sorrow and only sorrow in the impure world. और पावन दुनिया तो नई दुनिया ही हो सकती है। And the new world itself can be the pure world. यहाँ सुख ही सुख होता है। Where there is happiness and only happiness. ये दुनिया तो है ही तमो प्रधान शीशी दुनिया। क्योंकि सभी पतित हैं। दिस वर्ल्ड इज डेफिनेटली द तमो प्रधान एंड डर्टी वर्ल्ड बिकॉज एवरीवन इज इम्प्योर। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। नो वन कैन बी प्योर इन दिस इम्प्योर वर्ल्ड। इस राज को भी समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दिस सीक्रेट एज वेल। और ये भी जानना चाहिए कि अब मौत आया कि आया। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट डेथ हैज ऑलमोस्ट अराइव्ड। भगवान वाच भी है तुमने मुझे बुलाया है। इवन गॉड सेज यू हैव कॉल्ड मी। तो बाप कहते हैं अभी पावन बनो। सो द फादर सेज नाउ बिकम प्योर।
मुझे याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यू विल बिकम सतो प्रधान इफ यू रिमेम्बर मी। बाप तो अथॉरिटी है ही, बच्चों को भी अथॉरिटी बन करके बैठना चाहिए। द फादर इज डेफिनेटली द अथॉरिटी, द चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बिकम एन अथॉरिटी। अभी बच्चे अथॉरिटी होकर के नहीं बैठते हैं। बट द चिल्ड्रन डोंट। अथॉरिटी होकर के बैठेंगे तो कोई का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। इफ यू सिट एज एन अथॉरिटी नो वन कैन रेज अ क्वेश्चन। बाप कहते हैं यहाँ तो बहुत ही दुख है। द फादर सेज देयर इज सर्टेनली अ लॉट ऑफ सोरो हियर। एक दो को बहुत दुख देते हैं। दे गिव अ लॉट ऑफ सोरो टू वन अनदर। तो अभी पवित्र बनना पड़े। सो नाउ यू डेफिनेटली हैव टू बिकम प्योर। तमो प्रधान बनने से ही अपार दुख मिलते हैं। यू एक्सपीरियंस इमेंस सोरो ओनली व्हेन यू बिकम तमो प्रधान। फिर बाप को याद करो तो पाप कट जावेंगे और सतो प्रधान बन जावेंगे। देन इफ यू रिमेम्बर द फादर योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड एंड यू विल बिकम सतो प्रधान। ये बातें बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है। द फादर डज एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स अ लॉट एवरी डे। ये भी समझाते हैं कि ये भगवान वाच है, ये दुनिया वैश्यालय है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स दिस इज भगवान वाच, दिस वर्ल्ड इज अ ब्रॉथेल। घर घर में वैश्यालय लगा पड़ा है और वो है शिवालय। एवरी हाउस इज अ ब्रॉथेल एंड दैट इज शिवालय। और भगवान ही नई पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। एंड गॉड हिमसेल्फ एस्टैब्लिशेस द न्यू प्योर वर्ल्ड। रावण आकर के अपवित्र बनाते हैं। रावण कम्स एंड मेक्स इट इम्प्योर। अभी सभी नरकवासी विकारी दुर्गति को पाए हुए हैं। नाउ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ हेल द विशियस वंस हैव अंडरगॉन डिग्रेडेशन। इसलिए इतना दुख है। दुर्गति कहा ही जाता है अपार दुख को। दिस इज व्हाई देयर इज सो मच ऑफ सोरो। इमेंस सोरो इटसेल्फ इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। और सदगति कहा जाता है अपार सुख को। एंड इमेंस हैप्पीनेस इटसेल्फ इज कॉल्ड लिबरेशन। अभी बीच में है ये पुरुषोत्तम संगम युग। नाउ दिस पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज इज इन द मिडल। बाकी इन कॉन्फ्रेंसेज आज से कुछ भी होने वाला नहीं है। एज फॉर द रेस्ट Nothing is going to happen through these conferences, etc. Religious conference आदि करते ही रहते हैं। They keep organizing religious conferences, etc. परंतु करने वालों की अहम ऑब्जेक्ट क्या है? But what is the aim and objective of the ones who organize them? भारत पवित्र था तो विश्व में शांति थी। When भारत was pure, there was peace in the world. अभी भारत अपवित्र है तो अशांति है। Now भारत is impure, so there is restlessness. भगवान के सिवाय तो अपार सुख शांति कोई दे ही नहीं सकता। No one except God can give immense happiness and peace. क्योंकि भगवान ही सुख का सागर है, शांति का सागर है। It is because God Himself is the ocean of happiness and peace. ये साधु संत महात्मा तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। The sages, saints and great souls can't give them at all. क्योंकि बाप तो बाप ही है। Because the father is the father after all. वो तो सब भाई भाई है। And all the rest are mutually brothers. बाप कहते हैं अभी मुझे एक को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। द फादर सेज नाउ इफ यू रिमेम्बर मी अलोन यू विल बिकम प्योर। पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ द प्योर वर्ल्ड। हम सब बच्चे भगवान के मैसेंजर हैं। ऑल ऑफ अस चिल्ड्रन आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड।
और बाप भी यहाँ इस दुनिया में ही आया हुआ है। एंड द फादर हैज ऑल्सो कम टू दिस वर्ल्ड इटसेल्फ। तो हमको पैगाम देते हैं। सो ही गिव्स द मैसेज टू अस। जरूर वो पैगाम रथ के द्वारा ही देते होंगे। ही सर्टेनली मस्ट हैव गिवन द मैसेज थ्रू द चैरियट। तो बड़े से बड़ा पैगंबर भी है। सो ही इज द ग्रेटेस्ट मैसेंजर टू। कहते हैं माँ की माँ में कम याद करो। ही सेज इफ यू रिमेम्बर मी अलोन तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यू विल बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान। मूल बात पुरुषार्थ की यही है। दिस इज द फॉरमोस्ट थिंग फॉर पुरुषार्थ। और ये बात कोई कोई भी समझाना बहुत सहज है। एंड इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन दिस टू एनीवन। तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। यू हैव टेकन अप अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा हम विश्व में शांति स्थापन करेंगे। बाबा वी विल एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। तो जिन्होंने कम से कम कॉन्ट्रैक्ट उठाया है उन्हों को तो कोई अशांति नहीं फैलानी चाहिए। सो एटलीस्ट दोज हु हैव टेकन अप द कॉन्ट्रैक्ट शुडंट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस। जो अशांति फैलाते हैं उनको फिर नई दुनिया का नहीं कहेंगे। दोज हु स्प्रेड रेस्टलेसनेस इट वोंट बी सेड दैट दे बिलोंग टू द न्यू वर्ल्ड। इसलिए बाप समझाते हैं। दिस इज व्हाई द फादर एक्सप्लेन्स। अगर कोई भी तुमको कुछ भी कहता है तो उस जगह से हट जाना चाहिए। इफ समवन सेज समथिंग टू यू यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ देम। सामना नहीं करना चाहिए। यू शुडंट कन्फ्रंट हिम क्योंकि ये उल्टा सुल्टा बोलने वाले भूत हैं। बिकॉज दोज हू स्पीक इल आर गोस्ट्स। अगर सामने खड़े रहेंगे तो दोनों में भूत आ जाएगा। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम द गोस्ट विल एंटर बोथ ऑफ यू। ये बहुत ही पुराने जन्म जन्मांतर के भूत हैं। दीज आर वेरी ओल्ड गोस्ट्स ऑफ मेनी बर्थ्स। अभी बाप आए हैं इन भूतों से बचाने के लिए। नाउ द फादर हैज कम टू सेव यू फ्रॉम दीज गोस्ट्स। तो अगर देखो कि अशांति का भूत है तो किनारा कर देना चाहिए। सो इफ यू सी दैट देयर इज अ गोस्ट ऑफ रेस्टलेसनेस यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इट। कोई में भी भूत आता है तो बाप को बताना है। इफ अ गोस्ट एंटर समवन यू हैव टू इन्फॉर्म द फादर। खुद मुकाबला नहीं करना है क्योंकि क्रोध क्रोध का भूत है तो अशांति जरूर फैलाएगा। यू शुडंट कन्फ्रंट हिम बाय योरसेल्फ बिकॉज इफ देयर इज अ गोस्ट ऑफ रेस्टलेसनेस इन हिम ही विल सर्टेनली स्प्रेड रेस्टलेसनेस। और जो अशांति फैलाते हैं एंड दोज हू स्प्रेड रेस्टलेसनेस उनको साहब ज्यादा नहीं कह सकते। दे कांट बी कॉल्ड साहब जादे दैट इज अ चाइल्ड ऑफ द मास्टर। बाप विश्व में शांति स्थापन करने आते हैं। द फादर कम्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। बच्चों के द्वारा ही करते हैं। एंड ही डज दैट थ्रू द चिल्ड्रन देमसेल्व्स। तो बच्चों को भी जरूर शांति में रहना चाहिए। सो द चिल्ड्रन शुड ऑल्सो स्टे पीसफुल। शांति में रहेंगे तभी ऊंच पद पा सकेंगे। You can attain a high position only if you stay peaceful. अच्छा, बच्चों को good night. अच्छा, good night to the children. का प्रातः क्लास है 15 अगस्त 1968। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 15th August 1968। बाप पूछते हैं आत्माभिमानी होकर के बैठे हो। द फादर आस्क्स
Are you sitting in the soul conscious stage? समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो. He explains, consider yourselves as a soul. अभी ऑलराउंडर से पूछते हैं, ये दिल्ली से आई हुई है. Now he asks all-rounder. She has come from Delhi. ये कौन है ऑलराउंडर? Who is all-rounder? Student, दादी गुलजार's mother. गुलजार दादी की माँ का नाम था ऑलराउंडर. बाबा ने नाम रखा हुआ था. दादी गुलजार's mother was named all-rounder. बाबा had named her that. उस समय दिल्ली की इंचार्ज थी. At that time, she was the in-charge of Delhi. तो खास उसकी तरफ ध्यान गया. So, बाबा had special attention on her. और पूछा. And he asked. सत्युग में आत्माभिमानी होते हैं व देहाभिमानी होते हैं. Are you soul conscious or body conscious in the golden age? देही अभिमानी बनने बगैर सत्य की नई दुनिया में चल ही नहीं सकते. You can't go to the golden age new world until you become soul conscious. वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी होकर ही रहते हैं. Then you automatically stay soul conscious. इसलिए बार बार याद करने की भी दरकार नहीं रहती. This is why you don't even need to remember the father now and again. हाँ, वहाँ ये समझते हैं कि अब ये शरीर बड़ा हुआ, इसको अब छोड़ करके दूसरा नया लेना. Yes, they, that is the deities, do understand. Now this body has become old. We have to leave this and take another body. जैसे सर्प का मिसाल है. Just like there is the example of snakes. उनकी खल जब पुरानी हो जाती है तो खुशी से अपनी खल छोड़ करके नई ले लेता है. When its skin becomes old, it sheds its skin willingly and grows another one. वैसे ही वहाँ आत्मा भी समझती है कि अभी ये शरीर पुराना हुआ. Similarly, the soul understands there. Now this body has become old. इस शरीर को छोड़ करके हम नया शरीर लेते हैं. We will leave this body and take a new one. तो वो ही मिसाल जानवरों का उठाकर बाप देते हैं. So the father gives the example of animals. भगवान बाप तो उदाहरण देकर के समझाते हैं. God the father certainly explains along with examples. वो मनुष्य गुरु तो ऐसा समझा ही नहीं सकते कि कैसे हम नया चोला धारण करते हैं. Those human gurus certainly can't explain how you take on a new body. सर्प का मिसाल देते हैं, वो मिसाल भी पूरा बैठता नहीं है. They give the example of snakes, but that example also doesn't suit it completely. सर्प तो अपने जीवन में 3-4 बार खल त्यागता है. A snake sheds its skin 3-4 times in its life. बातें ये संगम युग की हैं. These topics are of the confluence age. संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे भी चारों युगों की शूटिंग काल में 4 बार अपने देहाभिमान रूपी खल को त्यागते हैं. In the confluence age, we Brahmin children too shed our skin like body consciousness 4 times in the shooting period of the 4 ages. आखरी ये देहाभिमान खलास हो जाता है. Finally, this body consciousness gets destroyed. वो मनुष्य तो सब विष्ठा के कीड़े हैं. Those human beings are the worms of excrements. देह अभिमान की खल को त्याग ही नहीं सकते जैसे.
इट इज एज इफ दे कांट शेड देयर स्किन लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस एट ऑल। उन देह अभिमानी मनुष्यों को अगर आप समान ज्ञानवान बनाएंगे तो भी वे कब्रस्तानी विकारी से परिस्तानी निर्विकारी नहीं बन सकते। इवन इफ यू मेक दोज बॉडी कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स नॉलेजेबल लाइक यू दे स्टिल कांट बिकम द वॉइसलेस रेजिडेंट्स ऑफ द एंजेलिक वर्ल्ड फ्रॉम बींग द विशियस रेजिडेंट्स ऑफ द ग्रेवयार्ड। ये ऊंचते ऊंचे पढ़ाई है जिसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य को देवता बनाना। दिस इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई स्टडी इट्स वेरी एम ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ डेटी। पढ़ाई भी ऊंची एम ऑब्जेक्ट भी ऊंची। द स्टडी एज वेल एज द एम एंड ऑब्जेक्टिव इज हाई। गायन भी है मनुष्य को देवता की करत लागी बार। इट इज ऑल्सो प्रेस्ड इट डजंट टेक टाइम टू ट्रांसफॉर्म अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ डेटी। ये कार्य किसने किया? हु डिड दिस टास्क? देवताओं ने तो नहीं किया। द डेटी सर्टनली डिडंट डू इट। गायन ही है गीता ज्ञान से नरको नारायण बनाया। It is even praised, God transformed Nar into Narayan through the knowledge of the Gita. भगवान ने ही मनुष्यों को देवता बनाया। God himself transformed human beings into deities. मनुष्य तो समझते हैं कि कृष्ण ने देवता बनाया है। Human beings think that Krishna has transformed them into deities. अब कृष्ण तो स्वयं 16 कलाओं में बंधने वाला कलाहीन भी बनता है। नाउ कृष्ण हिमसेल्फ इज द वन हु इज बाउंड इन द 16 सेलेस्टियल डिग्रीज ही बिकम्स डिवॉइड ऑफ सेलेस्टियल डिग्रीज टू। वो देवता भी बनता है और मनुष्य भी बनता है। ही बिकम्स अ डेटी एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग। परंतु मनुष्य को देवता बनाने वाला तो भगवान कोई और है। But God, who transforms a human being into a deity, is certainly someone else. जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। He never comes in the cycle of birth and death. मनुष्य तो मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। A human being can't transform another human being into a deity. और मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझेंगे भी नहीं। And human beings certainly won't understand these things. तुमसे कोई पूछते है कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? When someone asks you, what is your aim and objective? तो क्यों ना तुम्हारी लिखत में छोटा सा पर्चा बना हुआ हो? Why don't you keep a small written pamphlet with you? कि कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो जिससे वो समझ जावे। So that when someone asks you that, you can give it to him. Through which he understands it. बाबा ने तो बहुत अच्छी रीति समझाया। बाबा has certainly explained it very well. इस समय ये कलयुग पतित महान परम अपार दुख धाम है। Right now, this iron age is the impure abode of immense and great sorrow. अब हम मनुष्यों को सतयुगी महान सुख धाम की दुनिया में ले जाने के लिए सर्विस कर रहे हैं। Now we are serving people to take them to the great golden age world, the abode of happiness. अथवा रास्ता बताए रहे हैं। Or showing the path that leads to it. ऐसे भी नहीं है कि हम कोई को अद्वैत नॉलेज देते हैं। It isn't that we give the Advait knowledge to anyone. Advait knowledge means monistic knowledge. It also means non-dualistic knowledge. वो मनुष्य गुरु तो शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। Those human gurus consider the knowledge of those scriptures to be non-dualistic. वास्तव में अद्वैत नॉलेज कोई है नहीं। In reality, there is no such knowledge
as the non-dualistic knowledge. ये अद्वैत नॉलेज लिखना भी तुम्हारा रंग हो जाता है. इफ यू राइट अद्वैत नॉलेज इट इज ऑल्सो रॉन्ग. मनुष्यों को तो बहुत ही क्लियर करके समझाना है. यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली टू पीपल. ऐसी लिखत छपी हुई हो कि वो झट समझ जावे कि इनका उद्देश्य क्या है. सच राइट अप शुड बी प्रिंटेड दैट दे अंडरस्टैंड इमीडिएटली वॉट योर एम इज. कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी अपार दुखों से हम सतयुगी पवित्र शिष्टाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं. वी टेक यू टू द प्योर एलिवेटेड गोल्डन एज वर्ल्ड ऑफ इमेंस हैप्पीनेस फ्रॉम द इम्प्योर करप्ट आयरन एज वर्ल्ड ऑफ इमेंस सोरो. बाबा ये निबंध बच्चों को देते हैं तो ऐसा क्लियर करके लिखना है. बाबा गिव्स दिस कंपोजिशन टू द चिल्ड्रन सो यू हैव टू राइट इट वेरी क्लियरली इन दिस वे. सब जगह पर तुम्हारी ऐसी लिखत लिखी हुई हो. यू शुड हैव सच राइट अप विद यू एवरीवेयर. ये झट से निकाल करके दे दो सो दैट यू कैन टेक इट आउट एंड गिव इट टू देम इमीडिएटली. तो समझे सो दे वुड अंडरस्टैंड कि हम तो दुखधाम में विष्टा के कीड़े हैं. वी आर द वर्म्स ऑफ एक्सक्रीमेंट इन द अबोड ऑफ सोरो. अभी गंध में पड़े हुए हैं. राइट नाउ वी लिव इन डर्ट. जो विकारी होते हैं उनको विष्टा का कीड़ा कहा जाता है. दोज हु आर विशियस आर कॉल्ड द वर्म्स ऑफ एक्सक्रीमेंट. परंतु मनुष्य कोई समझते थोड़े ही है कि हम तो कलयुग अपार दुखधाम में रहने वाले हैं. But people don't understand at all that they are the residents of the Iron Age, the abode of immense sorrow. जानवर मिसल हैं. They are like animals. अगर समझे. If they believe. ये तो हमको अपार सुख धाम में ले जाने वाले हैं. They are going to take us to the abode of immense happiness. तो ऐसा ही अच्छा एक पर्चा बनाना है. So you have to make such good pamphlet. जैसे बाबा ने ये छपवाया है. जस्ट लाइक बाबा हैज हैड इट प्रिंटेड. कि सतयुगी हो या कलयुगी हो. डू यू बिलोंग टू द गोल्डन एज और द आयरन एज. परंतु बंदर मनुष्य कोई समझदार नहीं है. बट द मंकी लाइक ह्यूमंस आरंट इंटेलिजेंट एट ऑल. बंदरों की तरह रत्नों को भी पत्थर समझ करके फेंक देते हैं. लाइक मंकीज दे थ्रो ज्वेल्स कंसिडरिंग इट टू बी स्टोन्स. ये तो ज्ञान रतन है. दीज आर द ज्वेल्स ऑफ नॉलेज. तुम इतना समझाते हो फिर भी नहीं समझते. दे डोंट अंडरस्टैंड इवन आफ्टर यू एक्सप्लेन सो मच टू देम. फिर भी वो यही समझ लेते हैं कि शास्त्रों में रतन है. ये तो हमको और ही पत्थर देते हैं. स्टिल दे थिंक देर आर ज्वेल्स इन द स्क्रिप्चर्स एंड दीज वंस गिव अस स्टोन्स ऑल द मोर. तो तुम क्लियर करके ऐसे लिखो जो कि समझे कि हम अपार दुख धाम में बैठे हैं. सो राइट इट क्लियरली सो दैट दे मे अंडरस्टैंड दैट दे आर सिटिंग इन द अबोड ऑफ इमेंस सोरो. दुखों की भी लिस्ट होनी चाहिए. यू शुड ऑल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ सोरो. कम से कम 101 दुखों की लिस्ट जरूर हो. यू शुड लिस्ट आउट मिनिमम 101 काइंड्स ऑफ सोरो. इस दुखधाम में कितने दुख अपरम अपार है. देयर इज सच इमेंस सोरो इन दिस अबोड ऑफ सोरो. इनकी लिस्ट निकालो. लिस्ट देम आउट. बोलो स्त्रियां विधवा बनती हैं. टेल देम विमेन बिकम विडोज. कितनी दुखी हो जाती है. फेमेंस पड़ते हैं. दे बिकम सो सोरोफुल फेमाइंस अकर. और कितना एक दो को मारते भी रहते हैं. And they do kill one another a lot. सारी बातें लिखो कि कैसे बिच्छू मिसल बच्चे पैदा करते हैं. Write everything. How are children born like scorpions? सारी लिस्ट निकालो. Take out the entire list. और उसी पर्चे में फिर दूसरी तरफ अपार सुख भी हो. And then on the other side of the same pamphlet,
ऑल्सो मेंशन द इमेंस हैप्पीनेस। वहाँ नई दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं होता है। देयर इज एन इमेंट रेस ऑफ सोरो इन द न्यू वर्ल्ड। बताओ, टेल देम कि वो राज्य अभी हम स्थापन कर रहे हैं। नाउ वी आर एस्टेब्लिशिंग दैट किंगडम। उसे कहते हैं सुखधाम। दैट इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो जट मनुष्यों का मुख बंद हो जाएगा। सो द पीपल विल बिकम साइलेंट इमीडिएटली। परंतु ये कोई समझते नहीं है, इस समय दुखदाम है। बट नो वन अंडरस्टैंड्स दैट नाउ इट इज द अबोड ऑफ सोरो। इस दुनिया को ही स्वर्ग समझ करके बैठे हुए हैं। दे कंसीडर दिस वेरी वर्ल्ड टू बी हेवन। समझते हैं बड़े बड़े महल हैं, मंदिर हैं। दे थिंक देर आर वेरी बिग पैलेसेस टेम्पल्स हियर। ये थोड़े जानते हैं कि हम सब खत्म हो जाने वाले। दे सर्टनली डोंट नो We are all going to be destroyed. अब इस दुनिया में पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं। Now they do earn a lot of money in this world. कितनी रिश्वत उठाते रहते हैं। They take so much of bribe. बाप ने समझाया है। The father has explained. ये सब माया का, साइंस का घमंड है। All this is the pride of the science of Maya. झूठ खंड है। This is the land of falsity. ये इतनी बत्तियाँ, एरोप्लेन आदि, ये सभी माया का पंप है। All these lights, aeroplanes, etc. are Maya's pomp. तो ये कायदा है कि जब बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो माया भी अपना भव का दिखाती है। So this is a rule that when the father establishes the new world, Maya also shows her grandeur. इसको कहा जाता है माया का पंप। This is called Maya's pomp. जो अल्पकाल का है। Which is momentary. अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम तो सारी दुनिया में शांति स्थापन करने वाले हैं। Now you children know we are going to establish peace in the entire world. माया का पंप फैलता है। माया'स पंप स्प्रेड्स। वो तो थोड़े मनुष्य समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। ओनली अ फ्यू पीपल थिंक दैट दे आर इन हेवन। परंतु वो भी पंप है, असलियत नहीं है। हाउएवर दैट इज आल्सो अ पंप, इट इजंट द रियलिटी। 15-8-68 की वाणी का दूसरा पेज। सेकंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 15-8-1968। अगर माया की कहीं पर प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को भी अंदर में खाता है। इफ माया एंटर्स समवेयर द चिल्ड्रन आल्सो रिग्रेट इट। कोई भी किसी के नाम रूप में फंस पड़ता है तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज बन पड़ा। इफ समवन गेट्स एंटैंगल्ड इन समवन एल्सेस नेम एंड फॉर्म द फादर एक्सप्लेन्स ही बिकेम द वन विद क्रिमिनल आइज। कलयुग में सब क्रिमिनलाइज्ड है। एवरीवन हैज क्रिमिनलाइज्ड इन द आयरन एज। सतयुग में होते हैं सब सिविलाइज्ड। एवरीवन हैज सिविलाइज्ड इन द गोल्डन एज। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। एवरीवन बाउज देयर हेड इन फ्रंट ऑफ दीज डीटीज। पवित्रता को ही माथा टेका जाता है। अ पर्सन बाउज हिज हेड टू प्यूरिटी इटसेल्फ। कहते हैं कि आप तो निर्विकारी हो, सिविलाइज्ड हो, हम तो क्रिमिनलाइज्ड हैं। दे से यू आर सर्टेनली वाइसलेस एंड हैव सिविलाइज्ड, वी हैव क्रिमिनलाइज्ड। इसलिए बाप कहते हैं कि हर एक अपनी अवस्था को देखो। दिस इज व्हाई द फादर सेज ईच वन शुड चेक योर ओन स्टेज। जो बड़े बड़े महारथी कहलाने वाले हैं वो भी अपन को देखे कि हमारी बुद्धि कहीं नाम रूप में तो नहीं जाती है। फलानी बहुत अच्छी है, इनके साथ यह करें, कुछ अंदर में आता है। दोज हु आर कॉल्ड वेरी ग्रेट महारथीज इवन दे शुड चेक देमसेल्व्स डज आर इंटेलेक्ट गो टुवर्ड्स समवन्स नेम एंड फॉर्म लाइक शी इज वेरी गुड आई विल डू दिस विद हर डू यू थिंक लाइक दैट विद इन।
ये तो बाबा जानते हैं कि संपूर्ण सिविलाइज तो कोई भी नहीं बना है. बाबा डज नो दैट नो वन हैज बिकम द वन विद सिविल आईज कम्प्लीटली. वो तो बिल्कुल ही जो पास विदानर है, 8 रतन है, उनकी ही सिविलाइज हो सकती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ओनली दोज हु पास विद ऑनर द 8 जेम्स अलोन कैन बिकम दोज विद सिविलाइज. पुरुषार्थ करेंगे तो, प्रोवाइडेड दैट दे मेक पुरुषार्थ. बाकी 108 भी ऐसे नहीं है जो संपूर्ण सिविलाइज्ड बने. एज फॉर द रेस्ट इवन द 108 सोल्स aren't such who become those with civilized completely. जरा भी चलाए मानी ना आवे ऐसा बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी रेयर दैट समवन डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इवन स्लाइटली. कोई बिरले ही ऐसे निकलेंगे क्योंकि आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती हैं. Only some of such rare souls will emerge. It is because the eyes certainly deceive you more or less. है तो ड्रामा. This is definitely the drama. जल्दी किसी की सिविलाइज बन नहीं सकती. A person can't become the one with civilized so soon. तो खूब पुरुषार्थ करके अपनी जांच करनी है. So you have to make a lot of purusharth and check yourself. कि कहीं पर भी हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं? Do our eyes deceive us somewhere? विश्व का मालिक बनना बहुत ऊंच मंजिल है. It is a very high destination to become the emperor of the world. गायन भी है चढ़े तो चाखे है वैकुंठ रस. It is even praised चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस. When you rise, you taste nectar. और गिरे तो चकनाचूर. गिरे तो चकनाचूर. That is, and when you fall, you shatter to pieces. तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो राजाओं का भी राजा बने. So, you should make such purusharth so that you become the king of the kings. नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे. Otherwise, you will go to the subject category. आजकल तो ये जमाना ही कलयुगी विकारी है. Now, this era of the Iron Age is definitely vicious. बल कितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, No matter how great a person is. समझो रानी है. Suppose there is a queen. उनके अंदर भी दुख दुख होती रहती है. Even her heart races within. कि कहीं हमको उड़ाए न देवे. What if they dethrone me? प्रेसिडेंट भी आजकल डरते हैं. Nowadays, even presidents stay frightened. कि कहीं आपस में मिलकर हमको उड़ाए न देवे. What if they come together and dismiss me? नेवी वाले और आर्मी वाले अगर आपस में मिल जावे तो समझो बस. If the members of the navy and the army join forces, that's it. गड़बड़ी हो जाएगी. There will be an uproar. प्रेसिडेंट को भी उड़ा करके रख देंगे. They will even dismiss the president. सारी दुनिया में समय अशांति अशांति है. Right now, there is restlessness and only restlessness in the entire world. और हर एक मनुष्य में अशांति है. एंड एवरी ह्यूमन बींग इज रेस्टलेस. यज्ञ में रहने वाले बच्चे भी कितना अशांत करते हैं. द चिल्ड्रन हु लिव इन द यज्ञ ऑल्सो मेक अदर्स सो रेस्टलेस. कितनी अशांति फैलाते हैं. दे स्प्रेड सो मच रेस्टलेसनेस. बाप आए हैं शांति स्थापन करने. द फादर हैज कम टू एस्टेब्लिश पीस. तो समझाते हैं. सो ही एक्सप्लेन्स कि पहले खुद तो शांति में रहो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू योरसेल्फ शुड बी पीसफुल. खुद शांति में रहेंगे तो दूसरों में भी बल भर सकेंगे.
If you yourself stay peaceful, you will be able to feel power in others as well. वहाँ नई दुनिया में तो बड़ा ही शांति का राज्य रहता है। The kingdom of the new world is very peaceful. आँखें पूरी ही सिविलाइज्ड बन जाती है। Your eyes will become civilized completely. यहाँ तो आँखें criminalized है। Now here, your eyes are criminalized. तो बाप कहते हैं, अपनी जांच करो। So the father says, check yourself. या सारा दिन मुझे आत्मा की वृत्ति कैसी रही? How were the vibrations of my soul the entire day? ऐसा वायुमंडल बनाने में, आत्मा का ऐसा वाइब्रेशन बनाने में बड़ी मेहनत है। It takes a lot of effort to make such an atmosphere, such vibrations of the soul. अपनी संभाल रखनी है। You have to pay attention on yourself. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाप को सच नहीं बतलाते हैं। There are many such children who don't tell the truth to the father. और कदम कदम पर भूले करते रहते हैं। And make mistakes at every step. थोड़ा भी किसी को उस नजर से देखो कि भूल हो गई तो फट से नोट करना चाहिए। If you think that you are seeing someone with a vision which is wrong, you have to note it down immediately. नहीं तो 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते हैं। Otherwise, you definitely make 10, 20, 50 mistakes every day. और करते रहेंगे जब तक कि अभूल न बने। And you will keep doing it until you become flawless. परंतु सच सच कोई बताते थोड़े ही है। However, no one confesses the truth. जो देह अभिमानी होंगे उनसे कुछ न कुछ पाप जरूर होंगे। Those who are body conscious, they will definitely commit some sin or the other. और वो पाप अंदर में खाता रहेगा। And that sin will keep pricking them within. कई तो समझ भी नहीं सकते हैं कि भूल किसको कहा जाता है। There are many who can't even understand what their mistake is. जानवर अपनी भूलें समझते हैं क्या? Do the animals understand their mistakes? तो मनुष्य भी आज के जानवर बुद्धि हैं। So, the human beings of today are also those with an animal-like intellect. फिर समझ लिया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। Then, they have understood that a human being passes through the cycle of the 84 lakh species. समझते नहीं है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो जाती है जानवरों में से। They don't understand that the human beings don't pass through the cycle of the 84 lakh species, but the intellect of the human beings become like that of animals. तुम भी समझते हो। You also understand. इस ज्ञान में आने से पहले हम भी बंदर बुद्धि थे। We too were the ones who had a monkey-like intellect before coming in this knowledge. अभी भी कोई 5%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते रहते हैं। Even now, some keep changing 5%, some 10%. They change to some or the other extent. ये आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। These eyes betray a lot. तो समझो कि इंद्रियों में सबसे तीखी है ये आंखें। So consider that these eyes are the sharpest among the इंद्रिया। इसके लिए बाप समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। This is why the father explains, consider yourself as a soul. जब तुम इस दुनिया में आए थे तो नंगे आए थे। When you came to this world, you were naked. ये तुम्हारा शरीर भी नहीं था। You didn't have this body of yours either. अभी तुमको पता है
इस दुनिया में आकर के हमने ये शरीर धारण किया है। Now you know that you have taken on this body after coming to this world. पांच तत्वों का शरीर है। It is the body of the five elements. ये विनाशी चीज है। It is something perishable. इंद्रियों से सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ बैठे हैं। You have considered yourself as a body by seeking pleasure through the indriya continuously. अभी देह का भान छूटे तो इंद्रियों का बंधन भी छूटे। Now, if you leave the consciousness of the body, you will also be freed from the bondage of the indriya. नहीं तो समझना चाहिए। Otherwise, you should think. कि अभी ऐसी स्थिति में अगर हम शरीर छोड़ेंगे, If you leave your body right now in such a stage, तो फिर कौन सा शरीर लेंगे? Which body you will take on? किस संबंध में जावेंगे? In whose relation will you go? परंतु अभी मालूम थोड़ा ही पड़ता है। However, now you don't come to know about it at all. गर्भ में तो आत्मा सुन्न की सुन्न रहती है। A soul stays completely numb in the womb. बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। It becomes completely numb. जब शरीर बड़ा होवे तो पता पड़े। When the body grows up, it is then that it becomes aware. तो तुमको ऐसा ही बन करके जाना है। So, you have to become such and go. हम कुछ भी नहीं देखते हैं। We don't see anything at all. अभी तुम ज्ञान गर्भ में पड़े हुए हो। Right now, you are in the womb of knowledge. तुम्हारी आत्मा भी सुन्न हो जानी चाहिए। Your soul should also become numb. सुन्न ही सुन्न बस। Completely numb. That's it. जब पुराना शरीर छोड़ करके हमको जाना है, फिर जब शरीर लेंगे तो फिर अपना पार्ट बजावेंगे। Then we have to go after leaving the old body, and then when we take on another body, we will play our part. ये सुन्न न होने का भी अभी ये समय है। Now this is also the time to not become numb. बल आत्मा संस्कार ले जाती है, तो भी जब शरीर बड़ा हो जाता है, तो संस्कार इमर्ज होते हैं। Although the soul takes its sanskars along with it. When the body grows up, they emerge. अगर कोई लड़ाई वाला होगा तो उनके संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। If someone is a soldier, his sanskars will emerge. फिर बड़े होकर के लड़ाई में ही दाखिल हो जाएंगे। Then he will certainly recruit himself in military after growing up. तो कहेंगे कि पहले तो आत्मा सुन्न ही सुन्न रहती है। So it will be said. The soul remains completely numb first. कुछ भी नहीं जानती जब तक कि शरीर बड़ा हो भी। It doesn't know anything until the body grows up. अभी तुमको भी अपना घर जाना है। Now you too have to go to your home. तो समझना चाहिए कि जैसे ये पुरानी दुनिया है ही नहीं। So you should think that it is as if this old world doesn't exist at all. ये सारी दुनिया ही खत्म हो जानी है। This entire world has to be destroyed. फिर हम नई दुनिया में आ जाएंगे। Then we will go to the new world. परंतु पहले तो हमको घर जाना है ना। However, we have to go home first, don't we? इसलिए इस पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान ही उड़ा देना चाहिए। This is why you should forget the very awareness of this old world. And this body. कुछ भी याद न रहे। You shouldn't remember anything at all. इसके लिए बहुत परहेज रखनी होती है। You need to practice a lot of austerities for that. क्योंकि जो अंदर में होता है वो ही बाहर आता है। It is because whatever is inside that itself comes outside. शिव बाबा के अंदर में भी ये ज्ञान है। शिव बाबा also knows this from within. जानते हैं मेरा ये पार्ट है। He knows this is my part. मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। It is said for me alone
दोषन ऑफ नॉलेज, दोषन ऑफ हैप्पीनेस, दोषन ऑफ पीस। महिमा तो गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। दे डू प्रेज मी बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो जैसे बच्चों को भी सिखाओ। सो यू शुड टीच द चिल्ड्रन एज वेल। ये बात भी कहते रहते हैं। He keeps saying that as well. ये भी महिमा गाई जाती है। This praise is also sung. परंतु समझते बिल्कुल नहीं है। But they don't understand anything at all. तोते मिसाल यूं ही कह देते हैं। They just repeat it like parrots. 1568 की वाणी का तीसरा पेज। Third page of the Vani dated 15/8/1968. वो हर बात में सागर ही सागर है। He is certainly the ocean of everything. अभी तुम तो अर्थ सहित जानते हो कि कैसे वो सागर है और हम तो सागर नहीं है। Now you know it with its meaning, how he is the ocean and we aren't. मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। Human beings don't know anything at all. एक तरफ महिमा गाते हैं फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। On one side they praise him and on the other side they say that he is omnipresent. सर्वव्यापी है तो फिर सागर कैसे होगा? If he is omnipresent, how will he be the ocean? बुद्धि कितनी चट खाते में पड़ गई है। Their intellect has become completely empty. उनको कहेंगे 100% mad chaps. They will be called 100% mad chaps. जो कुछ कहते हैं समझते नहीं हैं। They don't understand whatever they say. हैं तो मनुष्य। They are definitely human beings. परंतु बुद्धि जानवरों से भी जट हो गई है। But their intellect has become more inert than animals. आत्मा की बुद्धि ऐसी बर्थ नाके पहनी हो जाती है। The intellect of the soul becomes such worth not a penny. तब भक्ति मार्ग में समझने लग पड़ते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। It is then that they start considering in the path of bhakti that the soul passes through the cycle of the 84 lakh species. अभी बाप तुमको कितना बुद्धिमान बनाते? Now the father makes you so intelligent. दुनिया के मनुष्यों के पास तो करोड़ों करोड़ों पद्मा पद्म है। ये माया का पंप है। The worldly humans have millions and quadrillions of rupees. This is Maya's pomp. क्योंकि पेट में तो पाव भर आटा ही जाता है। It is because all the stomach needs is just a quarter of flour for making rupees. बाकी तो सब यहीं धरा रह जाएगा। All the rest of the wealth will be left here itself. बाबा ने समझाया था। बाबा had explained. जो कुछ भी सीखते रहते हैं, whatever wealth they accumulate, वो साइंस की बातों पर ही विश्वास करते हैं। They believe only what science says. उनमें जो अपने काम की चीजें हैं, वो चीजें तो वहाँ नई दुनिया में भी जरूर होंगी। The things that are useful to us among those things will also be available there in the golden age. और वो बनाने वाले भी यहाँ से जावेंगे। And even their inventors will go there. संस्कार ले जावेंगे। They will take their संस्कार्स with them. परंतु वो राजा नहीं बनेंगे। But they won't become kings. क्योंकि साइंस के घमंड में रहते हैं। Because they live in the pride of science. जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ तो करते ही नहीं। They don't make the purusharth that has to be made at all. बाकी हाँ, वो साइंसदान भी पिछाड़ी में आ जाएंगे। As for the rest, yes, those scientists will also come in the end. ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे और आएंगे तो फिर औरों को भी सिखलाएंगे। These people will come to you in the end, and when they do, they will teach it to others as well.
अभी तो तुम एक बाप से ही कितना सीखते हो। नाउ यू लर्न सो मच फ्रॉम द वन फादर अलोन। एक बाप द्वारा ही दुनिया क्या से क्या बन रही है। द वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्रॉम वॉट टू वॉट थ्रू द वन फादर हिमसेल्फ। तुम जानते हो कि इन्वेंशन तो जरूर एक ही निकालता है, फिर वो फैलती जाती है। यू नो दैट ओनली वन पर्सन इन्वेंट समथिंग एंड देन इट कीप्स स्प्रेडिंग टू अदर्स। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक ही था। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ओनली वन पर्सन हु प्रिपेयर्ड बॉम्ब्स। समझा कि इससे तो दुनिया ही विनाश हो जाएगी। ही अंडरस्टूड द एंटायर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस। फिर और भी ढेर के ढेर बनाते गए। देन न्यूमरस बॉम्ब्स वर मेड कंटिन्यूअसली। सभी कहते हैं अभी कि हम भी बना सकते हैं। नाउ एवरीवन सेज वी कैन आल्सो मेक देम। तो वहाँ भी ये साइंस की ताकत चाहिए। सो द पावर ऑफ साइंस इज नीडेड देयर इन द गोल्डन एज एज वेल। परंतु वहाँ की साइंस डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी। हाउएवर द साइंस देयर वोंट बी डिस्ट्रक्टिव। अभी तो टाइम पड़ा है। नाउ टाइम इज लेफ्ट फॉर दैट। सीख करके होशियार होकर के फिर आवेंगे। They will come after learning and becoming intelligent. उन साइंसदानों को अगर बाप की पहचान मिल गई, तो फिर वहाँ स्वर्ग में आकर के नौकर चाकर बन जाएंगे। If those scientists receive the introduction of the father, they will become servants and maids in heaven. राजा तो बन नहीं सकते। They certainly can't become kings. वहाँ सभी सुख की ही बातें होती हैं। There is just happiness in heaven. दुख का नाम निशान नहीं होगा। There won't be a trace of sorrow. यहाँ तो कितने एक्सीडेंट आदि होती रहते हैं। Here, so many accidents etc. keep happening. अभी तुम जानते हो जो पहले सुखधाम में था वो फिर भी होगा। Now you know that whatever existed in the abode of happiness earlier, they will all exist again. Satyug paradise, heaven, sukhdham kaha jata hai. The golden age is called paradise, heaven, the abode of happiness. Wahan koi bhi prakar ki rog aadi ki baat nahi hoti hai. There are no diseases etc. there. Yahan to aparamapar dukh hai. Here, there is immense sorrow. Aur wahan to aparamapar sukh. And there is immense happiness. अभी हम ये स्थापना कर रहे हैं। Now we are establishing it. दुखहर्ता सुखकर्ता एक ही बाप है। The one father alone is the remover of sorrow and the giver of happiness. पहले तो खुद की अवस्था अच्छी चाहिए। First of all, you need to be in a good stage. जिनकी अवस्था अच्छी होगी, those who have a good stage, वो सिर्फ पंडिताई नहीं झाड़ेंगे। They won't just show off their eruditeness. जैसे कि एक पंडित की कथा भी सुनाते हैं। Just like the story of a scholar is narrated. बोला कि राम नाम जपने से सागर पार हो जाएगी। He said, you will go across the ocean by reciting the name of Ram. बुढ़िया को तो विश्वास बैठ गया। द ओल्ड वुमन बिलीव्ड इट। पंडित जी रह गए। द स्कॉलर लैग्ड बिहाइंड। ये समय की बातें हैं। दीज आर अबाउट दिस टाइम। कौन सी बात हुई? व्हाट इज इट अबाउट? राम बाप तो बूढ़ गया, डूब ही गया। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस द फादर राम डेफिनेटली ड्राउंड। और पवित्रता की बात किसने धारण कर ली? एंड हु असिमिलेटेड द पॉइंट ऑफ प्यूरिटी?
तुम बाप की याद से ही विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। स्टूडेंट ब्रह्मा बाबा, यू गो टू द ओशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ओशन ऑफ वाइसेस ओनली थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। तो पंडित ने जिनको कहा वो राम नाम करते पार हो गई। सो द वन हुम द स्कॉलर एडवाइज्ड शी क्रॉस्ड द ओशन बाय रिसाइटिंग द नेम ऑफ राम। पैसा खर्चे आदि से बच गई। शी वॉज सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग मनी एटसेट्रा। फिर बाद में पंडित को भी निमंत्रण दिया। देन लेटर शी ऑल्सो इन्वाइटेड द स्कॉलर कि आप भी चलो। पंडित ने बोला बोट कहाँ है। यू ऑल्सो कम। द स्कॉलर आस्क्ड वेयर इज द बोट। तो ये दृष्टांत देते हैं। सो दिस एग्जाम्पल इज गिवन। रामायण में भी दृष्टांत दिया है। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन इन द रामायण एज वेल। नदी को पार करने के लिए केवट क्या लाया। What did the boatman bring to cross the river? है? काठ की नवैया लाया। He brought a wooden boat. यहाँ तो तुम बच्चों की बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। Here you children need to be in a very good stage. परंतु बच्चों में योग बल नहीं है। However, the children don't have the power of yoga. और जिन बच्चों की criminalized है उनका भी तीर नहीं लग सकता। एंड द चिल्ड्रन हु हैव क्रिमिनलाइज देयर एरो ऑफ नॉलेज कांट हिट एनीवन। योग बल वाले भी चाहिए, सिविलाइज्ड भी चाहिए। दे शुड हैव द पावर ऑफ योग एज वेल एज सिविलाइज। आंखें सिविल होनी चाहिए। योर आईज शुड बी सिविल। और योग पूरा चाहिए। एंड यू शुड हैव द कंप्लीट योग। बाप की याद में रह करके किसी को ज्ञान देंगे तो उनका तीर भी लग जाएगा। इफ यू गिव द नॉलेज टू समवन बाय बीइंग इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर योर एरो ऑफ नॉलेज विल हिट हिम। ज्ञान तलवार में योग का जौहर भी चाहिए। द स्प्लेंडर ऑफ योग इज ऑल्सो नीडेड इन द सॉर्ड ऑफ नॉलेज। तुम जानते हो इस नॉलेज से धन की कमाई होती है। यू नो दैट यू अर्न वेल्थ थ्रू दिस नॉलेज। और ताकत होती है याद की। एंड देयर इज स्ट्रेंथ इन रिमेम्बरेंस। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं है। मेनी चिल्ड्रन डोंट रिमेम्बर द फादर एट ऑल। जानते ही नहीं है कि कैसे याद करें, किसको याद करें। दे डोंट नो एट ऑल हाउ शुड बी रिमेम्बर एंड हुम शुड बी रिमेम्बर। शास्त्रों की बक बक सुनते रहते हैं। They just keep listening to the nonsense of the scriptures. बक बक सुनते सुनते कितने तमोप्रधान बन गए। They have become so tamoprdhan by listening to them. अब ये तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। Now the father sits and explains this to the children. मनुष्यों को समझाना है ये दुखधाम है। You have to explain it to the human beings that this is the abode of sorrow. सतयुग है सुखधाम। The golden age is the abode of happiness. कलयुग में परम अपार दुख। There is immense sorrow in the iron age. यहाँ सुख का नाम निशान नहीं। Here there isn't a trace of happiness. अगर है भी तो काग विष्ठा समान अल्पकाल का सुख है। बाप भी कहते हैं इस समय सुख काग विष्ठा समान है। Even if there is, It is similar to the droppings of a crow. The happiness is momentary. The father also says, happiness is similar to the droppings of a crow at this time. सतयुग में तो अपार सुख है। There is immense happiness in the golden age. परंतु मनुष्य भल अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। Although the humans do use the words, they don't understand its meaning. यों ही मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं। They just keep racking their brains for attaining liberation. न मुक्ति को जानते न जीवन मुक्ति को कोई जानते। They neither know anything about liberation nor liberation in life. जानते ही नहीं है तो औरों को भी कैसे ज्ञान देंगे।
when they don't know at all, how will they give its knowledge to others? वो तो आते ही हैं रजो प्रधान समय में. They certainly come during the रजोप्रधान टाइम. तो फिर वो राजयोग कैसे समझावेंगे? So, how will they explain राजयोग? कैसे सिखावेंगे? How will they teach it? यहाँ तो इस दुनिया में सुख भी काग विष्टा समान है. Here, in this world, even happiness is similar to the droppings of a crow. वो जानते ही नहीं है कि राजयोग से क्या हुआ. They definitely don't know what happened through राजयोग. वो तो समझते हैं वहाँ भी दुख था, राम की सीता चुराई गई. They think there was sorrow in heaven as well. राम सीता was abducted. कृष्ण को कंस के डर से बाप ने भगा लिया. कृष्णस फादर सेंट हिम अवे आउट ऑफ द फियर ऑफ कंस. इन शास्त्रों की बातें सुनते सुनते समझते हैं कि वहाँ भी कोई सुख नहीं है. After listening to the stories of the scriptures, they think that there isn't happiness there either. ये नहीं समझते हैं कि राम और कृष्ण की बातें संगम युग की बातें हैं. They don't understand that the stories of Ram and Krishna are of the confluence age. बाप बताते हैं कि ये भक्ति मार्ग माना ही दुर्गति मार्ग. The father says this path of bhakti certainly means the path of degradation. ज्ञान तो कोई में भी नहीं है. No one has knowledge at all. तुम किसको कहो कि भक्ति दुर्गति है तो तुमसे भी लड़ने लग पड़ेंगे. If you tell someone that bhakti is degradation, they will even start fighting with you. ये भी ड्रामा चल रहा है. This is also going on in the drama. अखबार में भी निंदा करते रहते हैं. They keep defaming you in newspapers as well. ये सब तो होना ही है. All this is certainly going to happen. अखबारों में निंदा पड़ती है तो अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आ जाते हैं. When the defamation is published in the newspapers, weak women suffer different kinds of atrocities. दुनिया में तो अनेक प्रकार के दुख है. There are many kinds of sorrow in the world. अभी कोई सुख थोड़े ही है. Now, there isn't happiness at all. भले कोई कितना भी साहूकार हो. No matter how rich someone is. ये बुखार हुआ, ये अंधा हो गया, ये अर्धांग हो गया, दुख तो हो जाता है ना. This one had fever, this one became blind, that one became handicapped. They definitely experience sorrow, don't they? कोई न कोई रोग मनुष्यों को लग ही पड़ता है. Some or the other disease affect the human beings. दुखों की लिस्ट सभी निकालो. List out every kind of sorrow. रावण राज्य कलयुग के अंत में ये बातें होती हैं दुख की. These are the kinds of sorrow in the kingdom of Ravan in the end of the Iron Age. और सतयुग में तो दुख की एक भी बात नहीं होती. And there isn't a single kind of sorrow in the Golden Age. ये सतयुग भी हो करके गया है. This Golden Age has also passed. अभी है संगम युग. Now it is the confluence age. और बाप भी संगम पर आते हैं. And the father also comes in the confluence age. अभी तुम जानते हो कि 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं. Now you know what and all are we born as in 5000 years. कैसे कैसे सुखों में जन्म लेते हैं फिर कैसे कैसे दुखों में आते हैं. How are we born in happiness and then how do we come in sorrow? 1568 की वाणी का चौथा पेज. फोर्थ पेज ऑफ द वाणी डेटेड 15/8/1968. सभी तो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं. सर्टनली नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में धारण है वो ही इन बातों को समझ सकते हैं. दोज़ हू हैव द एंटायर नॉलेज इन देयर इंटेलेक्ट ओनली दे कैन अंडरस्टैंड देम. अभी बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं. नाउ द फादर फिल्स योर बैग.
तो तुमको भी फिर औरों की बुद्धि रूपी झोली भरनी चाहिए। सो यू शुड ऑल्सो फिल द बैग लाइक इंटेलेक्ट ऑफ अदर्स। गायन भी है, धन दिए धन ना कूटे। देयर इज इवन अ सेइंग, ड्रॉन वेल्स आर सेल्डम ड्राई। औरों को देते रहेंगे तो तुम्हारा धन भी बढ़ता रहेगा। इफ यू कीप गिविंग अदर्स, योर वेल्थ विल ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं। इफ दे डोंट डोनेट वेल्थ, इट मींस दैट दे डोंट हैव वेल्थ एट ऑल। नहीं दान करते हैं तो फिर मिलेगा भी नहीं। इफ दे डोंट डोनेट वेल्थ, दे वोंट गेट इट ईदर। हर बात का हिसाब किताब है। एवरीथिंग हैज इट्स अकाउंट। देते ही नहीं है तो फिर मिलेगा कैसे। व्हेन दे डोंट गिव टू अदर्स एट ऑल, हाउ विल दे गेट इट बैक। वृद्धि कैसे होगी। हाउ विल दे प्रॉस्पर। इस दुनिया में तो सभी हैं विनाशी रतन। ऑल द जेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर पेरिशेबल। तुम्हारे पास है अविनाशी ज्ञान रतन। यू हैव द इम्पेरिशेबल जेम्स ऑफ नॉलेज। और नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। एंड देयर आर डेफिनेटली रैंक्स इन एवरीथिंग। ये तुम्हारी रूहानी सेना है। दिस इज योर स्पिरिचुअल आर्मी। कोई रूह तो जाकर के ऊंच पद पावेगी और कोई जाकर के प्रजा पद पावेंगे। सम सोल्स विल गो एंड अटेन अ हाई पोजीशन एंड सम विल गो एंड अटेन अ पोजीशन अमंग द सब्जेक्ट्स। जैसे कल पहले लिया होगा वैसे ही लेंगे। दे विल अटेन इट जस्ट एज दे वुड हैव द प्रीवियस कल्पा। एक कल्प की बात नहीं है, अनगिनत बार तुमने लिया है। दिस इजंट अबाउट जस्ट वन कल्पा, यू हैव अटेंड इट न्यूमरस टाइम्स। और गिनती कर ही नहीं सकते हैं। एंड यू कांट काउंट देम एट ऑल। तुम कितनी बारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने हो। यू बिकम सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी सो मेनी टाइम्स। फिर कितना समय रावण के कारण नीचे चले गए। देन यू अंडरगो डिग्रेडेशन सो मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ रावण। ये तो बिल्कुल वंडरफुल बातें हैं। दीज टॉपिक्स आर सो वंडरफुल। और गुही राज की बातें हैं। एंड दीज आर द पॉइंट्स फुल ऑफ द डीपेस्ट सीक्रेट्स। कोई भी आते हैं तो पहले तो ये बात बताओ कि दुखधाम और सुखधाम का राज समझते हो। इफ समवन कम्स, फर्स्ट टेल देम, डू यू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ द अबोड ऑफ सोरो एंड द अबोड ऑफ हैप्पीनेस। दुखधाम कहाँ से आता है और सुखधाम कहाँ से आता है। फ्रॉम वेयर डज द अबोड ऑफ सोरो बिगिन एंड फ्रॉम वेयर डज द अबोड ऑफ हैप्पीनेस बिगिन। दुख देने वाला कौन है और सुख देने वाला कौन है। हु इज द गिवर ऑफ सोरो एंड हु इज द गिवर ऑफ हैप्पीनेस। समझाना चाहिए सतयुग से त्रेता के अंत तक सुख ही सुख है। यू शुड एक्सप्लेन इट टू देम दैट देयर इज हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस फ्रॉम द गोल्डन एज टिल द एंड ऑफ द सिल्वर एज। त्रेता में भी दो कलाएं कम हो जाती है। देयर आर टू सेलेस्टियल डिग्रीज लेस इन द सिल्वर एज। तो कहेंगे सेमी सुख। सो इट विल बी सेड दैट देयर इज सेमी हैप्पीनेस। फिर भी कहेंगे नई दुनिया। स्टिल इट विल बी कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड। कहा जाता है नई दुनिया त्रेता को। द सिल्वर एज इज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड। वास्तव में होता थोड़े ही है। बट इट इजंट इन रियलिटी। नई दुनिया तो सतयुग को ही कहेंगे। द गोल्डन एज इटसेल्फ विल बी कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड। त्रेता तो सेमी दुनिया है। द सिल्वर एज इज द सेमी न्यू वर्ल्ड। और यहाँ फिर है नरक। एंड देन दिस इज हेल। फिर एकदम रौरव नरक कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एन अटरली हॉरिबल हेल लेटर। इस समय तो सब बिल्कुल ही चट खाते में। एट दिस टाइम यू आर कम्प्लीटली बैंकक्रप्ट। तब फिर बाप आकर स्वर्ग में ले जाते हैं। इट इज देन दैट द फादर कम्स एंड टेक्स यू टू हेवन। जो नापास होते हैं वो सेमी स्वर्ग में आ जाते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते हैं। ऑल दोज हू फेल
they come in the semi heaven. They too come number wise according to their purusharth. बाप कितनी अच्छी अच्छी समझानी देते हैं। The father gives very good explanations. अपना काम ही है दूसरों की सेवा करना। Our very work is to serve others. जो आवे उसको आप समान बनाते रहो। Whoever comes, keep making them equal to yourself. और सेवा करते समय देह अभिमान में भी नहीं आना चाहिए। And you shouldn't become body conscious while doing service. Service ही service की तांत लगी रहे। You should simply be fond of doing service. मुझे तो service ही करनी है। Thinking, I just have to do service. और झंझटों में जाने से बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। If you involve yourself in other trivial affairs, your intellect will get diverted. हमको तो service ही service में लगा रहना चाहिए। You should just stay engaged in service. और हिसाब किताब रखने में लगे तो जरूर डिग्रेड हो जाएंगे। If you remain entangled in keeping other accounts, you will certainly degrade. सर्विस के बगैर और कोई भी स्थूल काम सिर पर नहीं रखना चाहिए। You shouldn't take up the responsibility of any other physical task except service. वो फिर देह अभिमान में आना हो जाता है। That is like becoming body conscious. मैं तो सर्विस करूं। Think, I should just do service. जानते हो बाबा भी सर्विस करते रहते हैं। You know, Baba also keeps doing service. तो बस। So, that's it. रात दिन सर्विस की तांत लगे। You should be keen to do service day and night. ये तुम्हारी कमाई है। This is your income. योग में रह करके सर्विस करते रहो तो तुमको कब थकावट भी नहीं होगी। If you keep doing service while being in yoga, you won't feel tired at all. बड़ी भारी कमाई है। It is a very high income. बाकी मतवाद लेना वो तो अल्पकाल के लिए पाई पैसे का मर्तबा हो जाएगा। As for the rest, if you take respect etc, you will attain a position worth nothing for a short period of time. ब्राह्मण बने और मर्तबे के पीछे मरते रहे तो दुनिया वालों में और तुम्हारे में फर्क क्या रहा। If you become a Brahmin and keep dying for respect, what is the difference between you and the worldly people? ब्राह्मणों की दुनिया का भी कोई मर्तबा लेने की तांत दिल में नहीं होनी चाहिए। You shouldn't have the desire of receiving respect even in the world of Brahmins in your heart. बाप कहते हैं बड़ी भारी कमाई में लगे रहना है। The father says you have to remain engaged in earning this very high income. हुकुम चलाने वाले क्या बनेंगे? What will the ones who give order become? जो यहाँ हुकुम चलाते रहेंगे वो क्या बनेंगे? Those who keep giving orders here, what will they become there? वहाँ सास ससुर बन जाएंगे। They will become a mother-in-law or father-in-law. सास ससुर क्या करते हैं? What does a mother-in-law or father-in-law do? वो समझते हैं हमारा हुकुम चलाना जन्मसिद्ध अधिकार है। They think giving orders is our birthright. बाप कहते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। The father says, don't waste your time in such things. पुरानी दुनिया की बात है। Student, Baba, will we become mother-in-law or father-in-law in the golden age, or is it about the copper and the iron age? It is about the old world. Purani duniya ki shooting yahan nahi hoti hai. Doesn't the shooting of the old world happen here? Hukum jo yahan chalate hain brahman banke ye srimat par chalna hua ya srimat ki barkhilafi hui?
Those who give order after becoming Brahmins, are they following the Srimad or are they violating it? तो बरखिलाफी का जो रिजल्ट मिलेगा वो सतयुग त्रेता में मिलेगा या द्वापर कलयुग में मिलेगा? So, will you receive the result of disobedience in the golden and silver age or in the copper and iron age? तो समझने की बात है। So, it is something to understand. ये वहाँ शब्द कहाँ के लिए बोला गया? This word there has been said for which place? द्वापर कलयुग के लिए बोला गया। It is said for the copper and the iron age. बाप कहते हैं। The father says. इन बातों में मान मर्तबे की बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। You shouldn't waste your time in these things, in the concern of honor and position. यहाँ तो मनुष्यों को अपार दुखी ही दुख है। Here, human beings certainly experience immense sorrow. उनको अपार सुखों में ले चलो। Take them to immense happiness. और सभी बातों को छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। You should leave everything else and stay engaged in service. आज की दुनिया के मनुष्य बंदरों में से हैं। The human beings of today's world are like monkeys. उनको कैसे समझावे? How should you explain it to them? मनुष्यों को सुखी तो बनाना है। You certainly have to make the human beings happy. अगर खुद ही अशांति फैलावेंगे तो उनकी क्या बुरी गति होगी? If you yourself spread restlessness, what a wretched condition will you be in? तुम प्रण करते हो। You take an oath. हमको तो शांति की दुनिया स्थापन करनी है। We have to establish the world of peace. तो तुमको फिर खुद अशांत थोड़ा ही होना चाहिए। So, you yourself certainly shouldn't become restless. मिलिट्री में अगर कोई ऐसा कुछ करते हैं, अशांति फैलाते हैं, तो क्या करते हैं? If someone does something like that in the military, if someone creates an uproar, what do they do? उनको एकदम शूट कर देते हैं। They are surely shot. तुम आए ही हो मनुष्यों को शांत और सुखी बनाने के लिए। You have definitely come to make the human beings peaceful and happy. ये मिसाल क्यों दिया? Why was this example given? ऐसा टाइम ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी आवेगा। स्टूडेंट सच अ टाइम इज गोइंग टू कम यस सच अ टाइम विल कम इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स एज वेल। कैसा टाइम? व्हाट काइंड ऑफ टाइम? मिलिट्री शासन हो जाएगा। देर विल बी द मिलिट्री रूल। मिलिट्री का हेड कौन है? Who is the head of the military? क्या करेगा? Student, Shankar, what will he do? अशांति फैलाने वालों के लिए शूट करने का ऑर्डर दे देगा। He will give the order to shoot those who spread restlessness. क्या बंदूक उठानी पड़ेगी? Would it be necessary to raise a gun? हैं? कान पकड़ के बाहर निकालेंगे? Student, he will throw us out. Will he throw you out by catching hold of your ear? तो पहले खुद को शांत करना है। So, first of all, you have to make yourself peaceful. स्थूल सर्विस भी शांति से करनी है। You even have to do physical service in peace. स्थूल सर्विस भी शांति पूर्वक करते रहेंगे तो उसका भी फल क्यों नहीं मिलेगा? If you keep doing even the physical service in peace, you will definitely get its fruit. सेवा चाहे यज्ञ की स्थूल हो, चाहे वाचा की हो और चाहे मनसा की हो, 100% मार्क तीनों प्रकार की सर्विस में है। Whether it is the physical service of the yajna, the service through the speech or the service through the mind, there are 100% marks for each kind of service. हाँ, चाहे मनसा की अशांति फैलावे, चाहे वाचा की अशांति फैलावे और चाहे कर्म इंद्रियों से अशांति फैलावे,
डिग्रेड तो जरूर हो जाएंगे। यस, वेदर यू स्प्रेड रेस्टलेसनेस थ्रू योर माइंड, थ्रू योर स्पीच और थ्रू योर कर्मेंद्रिया, यू विल डेफिनेटली डिग्रेड। इसको कहा जाता है ग्रहाचारी। इट इज कॉल्ड इविल प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस। वे अभिमान में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। यू सफर अ लॉट ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ बिकमिंग बॉडी कॉन्शियस। वो जैसे कि राहु की दशा बैठ जाती है। इट इज एज इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय राहु। सेकंड में दशा बदल जाती है। द प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस चेंजेस इन अ सेकंड। बैठे बैठे क्रिमिनल आई हो जाती। यू बिकम द वन विद क्रिमिनल आईज जस्ट लाइक दैट। कोई को कशिश हुई बस गिरा गटर में। इफ समवन गेट्स अट्रैक्टेड दैट्स इट, ही फॉल्स इनटू द गटर। फिर कहते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। देन दे से बाबा आई हैव ब्लैकेंड माय फेस। तो राहु की दशा बैठ जाती है। सो दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय राहु। ये इन आंखों ने काम करना शुरू किया। दीज आईज स्टार्टेड डूइंग इट। इसलिए सूरदास की कथा भी है। देयर इज आल्सो द स्टोरी ऑफ सूरदास फॉर दिस। उसने अपनी आंखें निकाल दी। ही ब्लाइंडेड हिमसेल्फ। ये मिसाल देते हैं। दिस एग्जाम्पल इज गिवन। मिसाल देते हैं फिर भी गटर में गिर पड़ते हैं। दे फॉल इन द गटर दो दिस एग्जाम्पल इज गिवन टू देम। बाबा शुरू में भी कहते थे। बाबा यूज टू से दिस इन द बिगिनिंग एज वेल। कि माथा मुड़वा करके फिर गटर में मर जाओ। यू शुड शेव ऑफ योर हेड एंड डाई इन अ गटर। ये रावण का चित्र है। दिस इज द पिक्चर ऑफ रावण। उसमें नीचे में सारा क्लियर लिखा होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी रिटन क्लियरली बिलो इन दैट। कलयुग में अपरम अपार दुख। देयर इज इमेंस सोरो इन द आयरन एज। उस सभी दुखों की लिस्ट होनी चाहिए। यू शुड हैव द लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सोरो। फिर इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में अपार सुख। देन देयर इज इमेंस हैप्पीनेस इन द किंगडम ऑफ दीज लक्ष्मी नारायण। दुख का नाम निशान नहीं। देयर इजंट अ ट्रेस ऑफ सोरो देयर। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। दिस इज योर एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो ऐसी सर्विस करनी चाहिए। सो यू शुड डू सच सर्विस। अच्छा रूहानी बाप दादा की बच्चों को नमस्ते। अच्छा द स्पिरिचुअल फादर एंड दादा ग्रीट्स नमस्ते टू द चिल्ड्रन। ओम शांति।